इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर। सलोन जो आपको देता है स्टाइल। देखिए, आज हम लोगों ने आर्थिक नीतियों के जो विरुद्ध जो इनकी जो विफल आर्थिक नीतियां रही हैं, चाहे वो बैंकों का एनपीए की जो बढ़ा है, एनपीए को लेकर जितनी बातें हो रही थी, आज इस शासनकाल में जो एनपीए के जिस तरीके से वृद्धि हुई है वो बहुत चिंता का विषय है। आज बेरोज़गारी, महंगाई, किसानों की बदहाली, आज जो कृषि क्षेत्र की जो प्रगति की दर गिर रही है वो बहुत अपने आप में चिंता का विषय है। आज निर्यात हमारा निरंतर गिर रहा है, और जब निर्यात गिरेगा तो आर्थिक समृद्धता कहाँ से आएगी? जब आर्थिक दर हमारी गिरेगी प्रगति, तो खासतौर से गरीबी रेखा के से जो नीचे लोग हैं वो कैसे ऊपर आएंगे? ये सब बहुत ही इन लोगों को गंभीरता से इन चीज़ों को, जो वर्तमान शासन के शासक हैं और जो सत्ता के उसमें सत्ता में है, उन लोगों को सोचना होगा। और इसी नींद से, निद्रा से उन्हें जगाने के लिए हम लोगों ने ये जिला स्तरीय राजस्थान प्रदेश व्यापी ये आंदोलन किया है, और हमें उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये लोग चेतेंगे। आज जिस तरीके से एसपीजी सुरक्षा हटाई गई गांधी परिवार से, वो भी बहुत निंदनीय है। हम लोग उसकी खुले शब्दों में आलोचना करते हैं। ये इस देश के जो खासतौर से इस तरीके की जो राजनीति हो रही है, जो बदले की राजनीति हो रही है, जो विपक्ष को जगह नहीं देने की बात हो रही है, विपक्ष का सम्मान होता था, विपक्ष के विचार लिए जाते थे, आज ये विपक्ष को कुचलने की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत गंभीर समस्या है। बहुत ये देश किधर जा रहा है? क्या बापू के सपनों की ओर जा रहा है? बापू ने जो कल्पना की थी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सबको एक साथ देखने की, एक साथ एक अधिकार, समान अधिकार देने की बात की थी, तो ये देश वहाँ उस रास्ते से विपरीत जा रहा है। और हम इसका विरोध करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं ये हमारा आंदोलन एक मील का पत्थर साबित होगा, और ये सरकार अपने घमंड में, अपने दम में जो चूर है उससे निकलेगी।